रोहित की जगह ये खिलाड़ी खेलेगा पहला टेस्ट। बांग्लादेश के खिलाफ ठोक चुका है शतक। इन दिनों विरोधियों की जमकर कर रहा है कुटाई। टीम इंडिया वनडे सीरीज के बाद बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैच भी खेलेगी। टेस्ट सीरीज में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के खेलने पर संशय है, क्योंकि वह दूसरे वनडे में बुरी तरह चोटिल हो गए। हालांकि उनके टेस्ट से बाहर होने को लेकर अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया। तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में स्लिप्स पर कैच पकड़ते हुए चोट लगी थी। अंगूठे में चोट लगी थी, जिसके चलते उनके हाथ में टांके भी आए। वहीं रोहित इस चोट के बाद बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले से तो बाहर हुए हैं। साथ ही राहुल द्रविड़ ने इस बात की पुष्टि की है कि रोहित इंजरी के चलते वापस मुंबई जाएंगे, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि रोहित टेस्ट टीम का भी हिस्सा नहीं होंगे। आपको बता दें कि वनडे श्रृंखला के बाद भारत 14 दिसंबर से बांग्लादेश के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेलने वाला है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि रोहित की जगह टेस्ट टीम में किसको शामिल किया जा सकता है। बीसीसीआई जबरदस्त फॉर्म में चल रहे अभिमन्यु ईश्वरन को स्क्वाड में शामिल कर सकती है, जो कि इस समय इंडिया ए के लिए बांग्लादेश ए के खिलाफ खेल रहे हैं। अभिमन्यु फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में है शानदार। ईश्वरन की उम्र अभी 27 साल की है। उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर बेहद शानदार है। वह लिस्ट ए और T20 को मिलाकर 25 शतक लगा चुके हैं। उन्होंने अब तक 77 फर्स्ट क्लास मैच में 44 की औसत से 5419 रन बनाए हैं। इस दौरान अभिमन्यु के बल्ले से 17 शतक और 23 अर्धशतक निकले हैं, मतलब 40 बार 50 से अधिक रन की पारी भी खेली है। खास बात यह है कि वह 233 रन की बड़ी पारी भी खेल चुके हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज के बाद दो टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस स्पोर्ट्स।